हेलो गाइस, हेलो गाइस, हम लोग हैं जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग हैं यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में। ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा का आयोजन है, जिसमें काफी संतगण आए हुए हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सनातन धर्म की सारे जागृति यात्रा के ऊपर कार्यक्रम है और ये लखनऊ में हो रहा है। कई मुसलमान आए हुए हैं, बच्चे कराते हैं सनातन धर्म। इसी क्रम में अगला नाम है यति कृष्ण महाराज, लखनऊ में अजगंज में, और अपने हिंदू महासभा के हमारे जागृति यात्रा महादेव आभार। ये पूरे इंडिया भर में सारी नाम जिनके चरणों में मेरा कोटि-कोटि है प्रणाम। और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित है वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रामजी तिवारी, हमारे प्रदेश संयोजक आदरणीय बड़े भैया पंकज तिवारी जी, साथ ही साथ लापा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जी, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अंकेश जी, और साथ ही साथ हमारे श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गोपी कृष्णा भैया, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए अमिताभ बघेल जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से हमारे एक संत सम्राट के रूप में हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। और मैं देखता हूं कि काफी समय से वो निरंतर हैं। जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया है कि सनातन धर्म की संत जागृति यात्रा है। अब लखनऊ के लिए भी जैसे लक्ष्य रखा गया है कि इसका लक्ष्मणपुरी नाम रखा जाए। ये यात्रा हरिद्वार 84 कोस, उसके बाद नैमिषारण्य, फरुखाबाद होते हुए नैमिषारण्य, नैमिषारण्य से उत्तर प्रदेश के केंद्र स्थल लखनऊ, और लखनऊ में आप लोगों का आप चतुर्थ स्तंभ है। आपकी बात अगर आपने इस बात को ठीक से उठाया तो बहुत बड़ा हित हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर केंद्र में चलेंगे, और केंद्र में आने के बाद हमारे ऐसे ऐसे वीर मिले हैं हमें, हमारे ऋषि द्विवेदी जी हैं, ये वो व्यक्तित्व है जो दुनिया का सबसे सशक्त व्यक्ति, ये वो संस्था है दुनिया का सबसे सशक्त व्यक्ति, भारत का सबसे सशक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिया है। ये अपने आप को ठीक से खड़ा कर लें तो सनातन का एक रोआ भी दुनिया को योगी जी कार्यकलाप से आप संतुष्ट है ना भाई? हमें क्या, पूरी दुनिया कार्यकलाप से चाहिए संतुष्ट है। केवल वो लोग संतुष्ट नहीं है जिन्हें बुलडोजर से डर लगता है। अगर अगर लक्ष्मण नगर ही नहीं होगा तो राम की स्थापना होगी कैसे? बिना लक्ष्मण के राम की स्थापना होगी क्या? राम भगवान राम का सबसे बड़ा अगर कोई दुनिया में सहयोगी है तो वह लक्ष्मण है, जो कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते। मैं कह रहा हूं कि अगर जिस समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लक्ष्मण नगरी हो जाएगी, पूरी दुनिया सनातनमय हो जाएगी। करते हैं कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही बचते रहेंगे, और नाना प्रकार के आदित्य मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, कलुष मस्जिद के लिए लड़ेंगे, ये हमारा हमेशा चलता रहेगा। एक ही सूत्र है, इसका एक ही रास्ता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।